राजस्थान विधानसभा चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर की जा रही चेकिंग के दौरान अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सामने एक व्यक्ति के पास 9,50,000 रुपए पकड़े हैं। इतनी बड़ी राशि को लेकर कोई संतोष पर जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस ने 102 सीआरपीसी के तहत राशि को जब्त कर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र की अलग अलग स्थान पर विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, साथ ही नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। इस बीच शनिवार रात्रि रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति अपने सूटकेस के साथ निकल रहा था और पुलिस को देखकर वह असहज हो गया और भागने की कोशिश कर रहा था। इस पर पुलिस ने उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में 9,50,000 का कैश बरामद हुआ है। यह राशि कहां से लाया था और कहां ले जानी थी, इसे लेकर कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया गया, ना ही उसके पास इस राशि को कोई वैध दस्तावेज मिले। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए राशि को 102 सीआरपीसी के तहत जब्त करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। जी सर, क्या चुनाव आचार संहिता की पालना के अंदर जो अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के अंदर हमारी पुलिस की जो टीमें गश्त कर रही है और नाकाबंदियां कर रही है, इसी के दौरान कल शाम को 10 बजे पुलिस थाना क्लॉक टावर की टीम जो कि गश्त कर रही थी रेलवे स्टेशन के सामने मेन रोड पर, एक व्यक्ति जिसके पास एक सूटकेस था, पुलिस को देख करके तेज़ गति से चलने लग गया और अपने आप को गायब करने का प्रयास करने लगा। संदिग्ध होने पर उस व्यक्ति को रोक करके और पूछा गया और उसके सूटकेस को चेक किया गया, जिसके अंदर उसके सूटकेस के अंदर 9,50,000 रुपये मिले। उक्त बड़ी राशि के संबंध के अंदर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस कारण उक्त राशि को क्लॉक टावर थाना पुलिस द्वारा जब्त किया गया। कौन है ये व्यक्ति और कहाँ पर है? ये दीपक जैन नाम का व्यक्ति है जो कि अरिहंत नगर पुष्कर रोड का निवासी है। ये अभी जांच का विषय है, अभी वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है, जिसके बारे में जांच के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर की जाएगी।